टीम इंडिया के एक्सपीरियंस ओपनर यानी कि शिखर धवन उर्फ गब्बर, जिन्हें प्यार से इस नाम से बुलाया जाता है। शिखर धवन का करियर लगभग खत्म माना जा रहा था, क्योंकि शिखर धवन को व्हाइट बॉल क्रिकेट में बीसीसीआई मौका नहीं दे रहा था। लेकिन जैसे ही इंग्लैंड के खिलाफ ओडीआई टीम की अनाउंसमेंट हुई, शिखर धवन का नाम उसमें दिखा, जबकि युवाओं के साथ अब धवन खेलते हुए नजर आएंगे और एक बार फिर से रोहित और धवन की जोड़ी मैदान पर दिखेगी। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार ओडीआई में धवन की वापसी तो हुई और बाकी खिलाड़ी कौन कौन हैं जो इंग्लैंड के खिलाफ खेलने वाले हैं। टीम इंडिया के सिलेक्टर्स इस वक्त युवाओं के साथ साथ एक्सपीरियंस खिलाड़ियों को टीम में मौका दे रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज के लिए देखने को मिला, जब टीम इंडिया में एक बार फिर से शिखर धवन यानी कि गब्बर की री एंट्री हो गई। गब्बर के फैंस के लिए ये खबर काफी राहत देने वाली है, क्योंकि काफी सारे एक्सपर्ट का मानना था कि गब्बर का क्रिकेट करियर अब खत्म हो चुका है, क्योंकि टीम इंडिया में इस वक्त काफी सारे ओपनर्स हैं, लेकिन टैलेंट को कोई नहीं रोक सकता और ये बात गब्बर की वापसी से सच साबित होती है। गब्बर के साथ टीम इंडिया में कौन कौन है ये भी जान लेते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ जो भारतीय टीम तीन वनडे खेलेगी उसके कप्तान रोहित शर्मा है, उसके बाद शिखर धवन, ईशान किशन, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, युजवेंद्र चहल, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद कृष्णा, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह। धवन के अलावा इस टीम में युवा खिलाड़ी अर्शदीप को भी मौका दिया गया है, लेकिन धवन की वापसी से साफ हो रहा है कि हो सकता है कि वो अगले साल यानी 2023 में जब भारत में 50 ओवर का वर्ल्ड कप होगा तब शिखर धवन टीम इंडिया में खेल सकते हैं। ऐसे में टीम इंडिया की ओपनिंग जोड़ी भविष्य में बदल सकती है। शिखर धवन की 5 महीने बाद टीम इंडिया में वापसी हो रही है। फरवरी साल 2022 में वेस्टइंडीज के खिलाफ धवन ने आखिरी बार इंडिया के लिए खेला था। ऐसे में शिखर धवन फ्यूचर में ओपन भी कर सकते हैं। इंग्लैंड में रोहित और धवन की जोड़ी एक बार फिर से देखने को मिलेगी। धवन ने अब तक 149 वनडे में 6,284 रन बनाए हैं, जिसमें 17 सेंचुरी और 35 हाफ सेंचुरी है। कहना गलत नहीं होगा कि धवन के पास ये आखिरी मौका हो सकता है, क्योंकि इंग्लैंड ही वो देश है जहां से रोहित और धवन ने ओपनिंग की नई इबारत लिखी थी। ऐसे में अगर धवन को टीम इंडिया में बने रहना है तो गब्बर को इंग्लैंड में गदर मचाना होगा, वरना ये तीन वनडे मैच करियर के आखिरी तीन साबित हो सकते हैं।